हेलो दोस्तों, आज मैं कढ़ी रेसिपी बना रही हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट वाली कढ़ी पकोड़े के साथ में। मैंने इसे बिना प्याज के बनाया है, आप लोग भी एक बार ट्राई करें, आई होप आप लोग को पसंद आएगा। मैंने 2 कटोरी बेसन लिए पकोड़े के लिए, स्वाद अनुसार नमक डाला है, 1 पिंच के अनुसार सोडा लिया है मैंने। अब इसे पानी से अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। देखिए मैंने इस तरीके से फेंटा है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। फिर मैंने रिफाइन ऑयल लिया है और उसमें गरम होने के बाद में पकौड़े तल लिए अपने गोल्डन ब्राउन होने तक। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली अच्छी अच्छी रेसिपी आप सबको मिलती रहे। मेरे पकौड़े तल के तैयार हो गए हैं। उसके बाद मैंने मसाले पीसे। मसाले मैंने हरी मिर्च और लहसुन अदरक लिया है, आप चाहे तो लहसुन और अदरक स्किप कर सकते हैं। मैंने छाये से बनाया है, मैं छाये को मिक्सी में घुमाऊंगी। मिक्सी में घुमाने से ये होता है कि अच्छे से फिट जाती है। देखिए इस तरीके से ये फिट गई है अच्छी तरीके से। अब मैं कढ़ाई लेती हूँ। कढ़ाई मैंने थोड़ी सी सरसों का तेल लिया है, मिर्च और लहसुन की वो डाल दिए। उसको अच्छे से भूनने के बाद फिर मैंने वो कढ़ी को डाल दिया। उसके बाद मैंने पानी ऐड किया है। अब इसे जब तक चलाना है, जब तक इसमें उबाल ना आ जाए, मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। उसके बाद हल्दी पाउडर डाल दी है। अब इसे चलाते रहना है जब तक इसमें उबाल ना आ जाए, नहीं तो अगर हम छोड़ देंगे बीच में तो ये फट जाएगी। देखिए मेरी उबाल आ गई है। उबाल आने के बाद कम से कम आधा घंटा 25 मिनट तक पकानी है। उसके बाद पकौड़े डालने के बाद भी कम से कम 10 मिनट या 5 मिनट तक हमें पकाना है। उसके बाद लास्ट में मैंने कस्तूरी मेथी ऐड करी है। मेरी कढ़ी तैयार हो गई। बस अब तड़का लगाना इसमें रह रहा है, जो मेन है। इसमें तड़के के लिए मैंने फ्राई पैन लिया है। फ्राई पैन में मैंने सरसों का तेल लिया, 1 चम्मच जीरा, थोड़े से लाल मिर्च साबुत, कड़ी पत्ता। उसके बाद मैंने मेथी दाने लिए। मेथी दाने को ज़्यादा पकाना नहीं है तो कड़वी हो जाएगी। उसके बाद मैंने थोड़ी सी देगी मिर्च डाला। देखिए मैंने इसमें चौक लगा दी है, कितना प्यारा कलर आया, कितना प्यारा लग रहा है। अगर आपको मेरी रेसिपी और मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।